नमस्ते दोस्तों, आप सभी को एनएलपी के वीडियो 12 में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेव बायस क्या होता है। आज हम लोग का डिस्कशन बहुत ही यूनिक तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे कि नेव बायस क्या होता है। इसके बहुत सारे आप ब्लॉग देखे होंगे, वीडियो देखे होंगे, लेकिन आज ये जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बहुत ही यूनिक तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आज हम देखेंगे राज और सिमरन की कहानी। राज और सिमरन, हम लोग जानते हैं कि शाहरुख और काजोल एक बहुत ही रोमांटिक जोड़ी रही है बहुत सारे फिल्मों में। तो आज हम इन्हीं की कहानियों से हम लोग समझना कोशिश करेंगे कि नेव बायस होता क्या है एक बहुत ही सिंपल फॉर्म में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नेव बायस क्या होता है। मैंने ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है, आप लोगों को रेफर करना होगा। आप डिस्क्रिप्शन पोर्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ मैंने पूरी डिटेल में प्रोबेबिलिटी के बारे में भी मैंने मेंशन किया है कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इवेंट क्या होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है। मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ। अगर आप इसके बारे में मोर डिटेल जानना चाहते हैं, आप ये डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी में डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन क्या क्या होते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेस थ्योरम, पहले देख लेते हैं नेव बायस। सो एक्चुअली नेव बायस जो है एक्चुअली थ्री टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं बर्नौली, एक होते हैं मल्टीनोमियल, एक होते हैं गॉसियन। तो तीनों में मेन डिफरेंस क्या है, जब हम लोग बर्नौली की बात करते हैं, तो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। तो बर्नौली में मेरा जो टारगेट वेरिएबल होता है मे बी आइदर बाइनरी की तरह होता है, आइदर जीरो होता है या आइदर वन होता है। लेकिन मल्टीनोमियल में जो मेरा टारगेट वेरिएबल होता है वो बाइनरी नहीं होता है, मे बी वन टू थ्री फोर फाइव, इसे एज ए कैटेगोरिकल नेचर का ही होता है, लेकिन मोर देन टू टाइप्स हो सकता है। जैसे कि जीरो वन केवल दो है एज ए टारगेट वेरिएबल, आइदर जीरो या वन। बट बर्नौली में, मल्टीनोमियल में मेरे पास मोर देन टू कैटेगरी हो सकते हैं टारगेट वेरिएबल, तो हम लोग मल्टीनोमियल यूज करते हैं। लेकिन ये बर्नौली और मल्टीनोमियल यहाँ नेव बायस में, जब मेरा ये टेक्स्ट डाटा रहेगा वहां हम लोग यूज करते हैं। अगर मेरा जो डाटा है, अगर मेरा न्यूमेरिकल इन नेचर है, तो हम लोग वहां गॉसियन यूज करते हैं। गॉसियन नेव बायस क्लासिफायर हम लोग यूज करते हैं। जो नेसियन गो जो मेथड है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे कि गॉसियन में कैसे क्या होता है। चलिए आज हम पहले समझते हैं बर्नौली में क्या होता है। जो बर्नौली है सेम एग्जाम सेम टाइप का ही मल्टीनोमियल भी है। तो पहले हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा पहले देख लेते हैं बेस रूल। सो बे थ्योरम क्या होता है। एक्चुअली बे थ्योरम में ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड करता है। अगर किन्हीं को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं पता है, आप ये मेरे डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके देख सकते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है। तो बेस थ्योरम क्या है मेनली, अगर अगर मुझे ये इसी हाँ अगर मुझे किस सपोज ये एग्जाम्पल है मेरे पास, इस एग्जाम्पल में क्या है, ये कंडीशन दिया हुआ है मेरे पास, ऑलरेडी कंडीशन दिया हुआ है, इस कंडीशन ऑलरेडी अवेलेबल है, ये इवेंट ऑलरेडी है, इस इवेंट के कारण इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं बेस थ्योरम। तो उसका क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये आया कैसे, ये एक्चुअली मेरा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन ऑलरेडी बी इवेंट हैव अकर्ड। सो इसका क्या हो गया, अगर दो इसका डिफिनेशन क्या होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, अगर दोनों कंडीशन और इवेंट अवेलेबल हैं एंड डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो सेम है, अगर हम इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए करें
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो अगर मैंने इसको क्या किया, यहाँ ये कंडीशन मैंने इधर इसको मल्टीप्लाई किया, इसको भी मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया, और दोनों कारण इस दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया। तो इक्वेट करने के बाद क्या गया, मेरे पास ये बेस थ्योरम का ये मेरा फॉर्मूला आ गया। तो इसी बेस थ्योरम पर हम लोग आगे नेम 22 में सेम फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। तो नेम 22 में क्या है, नेम 22 ये मेरा ये सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक का एक कैटेगरी में ही आता है। और ये सुपरवाइज लर्निंग के टेक्निक में ये नेम 22 इसलिए पड़ गया क्योंकि 22 हो गया मेरा बेस थ्योरम, और नेम बोला जाता है कोई चीज को वह स्ट्रोंग टाइप का, कोई चीज को मेरा एजम्पशन है, मेरा बहुत सारा स्ट्रोंग है मेरा एजम्पशन के बारे में। तो इसमें एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिए कभी भी, कि नेम 22 का एक एजम्पशन है। एजम्पशन क्या है कि जो मेरा जो वेरिएबल है वे ऑलरेडी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आपके पास जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वे एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ये इसका एजम्पशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब हम लोग नेम 22 लगा रहे हैं। और नेम 22 बहुत ही पॉपुलर है जब हम लोग कैटेगरिकल डाटा पर हम लोग या टेक्स्ट डाटा पर हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ सेम है, तो सेम हम लोग सेम ये मेरा बेस थ्योरम है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑलरेडी अकर्ड। सो मतलब कि ऑलरेडी मेरे पास ये इवेंट हो चुका है, इस इवेंट के कारण व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा। सो सेम थिंग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये तो सिंपल सा डिफिनेशन हो गया, लेकिन देखा जाए कभी कल समझने में बहुत प्रॉब्लम होता है कि क्या है आखिर प्रॉब्लम। बहुत लोगों को जब प्रोबेबिलिटी आता है उसी समय समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। तो इसको बहुत ही हम एक चलिए बहुत आसान तरीका हम आप लोग के लिए लाए हैं कि समझते हैं प्रोबेबिलिटी इसके नेम 22 में कैसे यूज करते हैं। ये राज और सिमरन की जो कहानी है, राज और सिमरन दोनों फेसबुक पर मिले, दोनों के बीच में बहुत दिन बातें हुई, तो आखिर दोनों ने मिलने का वादा किया। तो उन्होंने प्लान बनाया कि चले हम दोनों मिलते हैं। बस राज को बस यही पता था कि सिमरन के बाल लंबे हैं, और राज को पता नहीं क्योंकि आजकल फेसबुक के जमाने में हो सकता है फेक प्रोफाइल हो सकता है मेल भी हो, कोई बंदा मेल हो और सिमरन बन के मजाक कर रहा हो। तो लेकिन राज को पता नहीं है ये मेल है कि फीमेल है। तो दोनों राज और सिमरन दोनों ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं। तो हम अब राज पता करना चाह रहा है क्या कि ये सिमरन जो है मेरा मेल है कि फीमेल है। लेकिन राज में एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस बात क्या है राज में, कि ये मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा बंदा है। तो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा बंदा, तो इसने इसने क्या किया, इसने बेस थ्योरम अप्लाई करना चाहा कि क्या होता है। तो समझ जाइए एक सिनारियो है, सिनारियो में क्या है, सिकी राज यहां पर राज ने देखा कि ट्रेन में टोटल 180 पैसेंजर हैं, कितने 180 पैसेंजर हैं। 180 पैसेंजर में 90 मेल है एंड 90 फीमेल है, जिसमें 90 फीमेल में 85 फीमेल के बड़े बाल हैं और 7 मेल के बड़े बाल हैं। तो इसने ये ऑब्जर्व किया ये चीज को, तो पूरे ट्रेन में देखा कि कितने लोग हैं कितने क्या है, लेकिन उसको पता था कि हाँ सिमरन के बड़े बाल है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है कि सिमरन मेल है कि फीमेल है। तो उसने क्या किया, जिसे ये मैंने एक टेबल बनाया, ये क्या है, एक लॉन्ग हेयर इधर है, शॉर्ट हेयर है, ये मेल है और फीमेल है। तो ओनली 7 लोग का केवल बड़ा बाल है तो 7, और 85 फीमेल का
लॉन्ग हेयर है 35, तो टोटल कितना हो गया 92। इसमें क्या पता है 90 है, तो 90 माइनस 7 ये 83। सेम चीज टोटल 90 है, 90 माइनस 85 ये 5 हो गया, ये 88 हो गया, टोटल 180 90 हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर इसने क्या किया कि इसने कर लिया कि अगर हमको पता है कि इवेंट कि मतलब उसके बड़े बाल है तो क्या हो सकता है, मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। उसने क्या किया, बेस रूल लगाया, उसने बोला क्या कि इसने सिंपल से देखा प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डिवाइड बाय लॉन्ग, तो लॉन्ग हेयर। तो मतलब सेम ये हमको पता है कि उसके बड़े बाल हैं, यहाँ भी बड़े बाल हैं, तो वे क्या हो सकता है, मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। तो उसने दोनों कंडीशन चेक कर लिया। तो उसके लिए हम लोग क्या बेज थ्योरम के अनुसार क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉन्ग हेयर डिवाइड बाय फीमेल इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉन्ग हेयर। तो हम देख सकते कैसे हो सकता है, पहले थोड़ा सा मैंने ये और प्रोबेबिलिटी में निकाला है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल क्या हो गया, दिस इवेंट बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट, तो टोटल 90 मेल डिवाइड बाय 180 इक्वल टू 0.5। प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल बाय टोटल नंबर ऑफ फीमेल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, तो 90 बाय 180 0.5। टोटल नंबर ऑफ लॉन्ग हेयर इज टोटल लॉन्ग हेयर डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, तो 92 है लॉन्ग हेयर, तो यहाँ 92 डिवाइड टोटल पॉपुलेशन इज द 180, तो 180। शॉर्ट हेयर, दिस शॉर्ट हेयर पॉपुलेशन डिवाइड बाय लॉन्ग हेयर, तो 88 डिवाइड बाय 180। लॉन्ग हेयर और मेल क्या होंगे, तो मतलब कि उसको हमको दिखाना है कि जो लॉन्ग हेयर है तो और वे मेल भी हैं, तो ये मेरे पास 7 है, तो 7 डिवाइड बाय 90, टोटल पॉपुलेशन कितने हैं लॉन्ग हेयर का 92, तो 7 डिवाइड बाय 92। और फीमेल है और उनका लॉन्ग हेयर है तो उसका क्या है 85 डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन जिनके लॉन्ग बाल है, तो टोटल पॉपुलेशन 92 है, तो 85 डिवाइड बाय 92। ये में हम लोगों ने डाटा आग्रह किया। तो उसके बाद राज ने क्या किया, ये राज ने सिंपल से फॉर्मूला लगाया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉन्ग डिवाइड बाय फीमेल इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉन्ग हेयर। तो हम लोग देख सकते हैं लॉन्ग बाय फीमेल कितने हैं, 85 बाय 92, तो यहाँ 85 बाय 92, प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल 90 बाय 180, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉन्ग 92 डिवाइड बाय 180, ये आ गया मेरे पास 90.38%, या इसको बोल सकते हैं 0.9038। सेम हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल डिवाइड बाय लॉन्ग करें, मतलब कि हमको पता है कि लॉन्ग है लेकिन अगर वो मेल है तो उसमें क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉन्ग डिवाइड बाय मेल इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉन्ग हेयर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉन्ग डिवाइड मेल क्या था, 7 बाय 92, तो मेरे पास क्या था 7 बाय 92। प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल 90 डिवाइड बाय 180, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉन्ग हेयर 92 डिवाइड बाय 180, तो ये करेंगे मेरे पास आ जाएगा 0.07 4-4। तो इससे मैंने राज ने डिसाइड किया, इसने देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल डिवाइड बाय लॉन्ग एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल डिवाइड बाय लॉन्ग, तो ये कंडीशन में इसका वैल्यू ज्यादा है, तो इसका वैल्यू ज्यादा है, तो राज ने डिसाइड कर दिया कि हाँ सिमरन फीमेल है। तो इस तरीके से नेव बाइस ने आखिर राज को हेल्प किया कि सिमरन मेल है कि फीमेल है। तो एक बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप समझ सकते हैं कि ये नेव बाइस से कैसे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि ये मेरा मेल है कि फीमेल है। तो यहाँ पर मैंने बेस थ्योरम लगाया था, बेस थ्योरम से हम लोगों ने पता किया कि ये मेरा मेल है कि फीमेल है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे गॉसियन नेव बाइस।
अगर ये आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे या कोई भी फीडबैक देना हो मेरे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और कोई भी मोर जानकारी लेना है आप ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन से, और जरूर आपको अच्छा लगे तो अवश्य लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए ताकि अपने आपके दोस्त भी इस चीज को बहुत ही आसानी तरीके से समझ सके। चलिए बाय दोस्तों।